This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। ज़ायरा बोली, वह प्यार से मुझे कमर गर्दन पर टच करता रहा। अब सामने आई ये बात। दंगल एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम से फ्लाइट में छेड़छाड़ के मामले में विस्तारा एयरलाइन ने डायरेक्ट जनरल सिविल एविएशन और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दे दी है। इसके मुताबिक आरोपी बिजनेसमैन विकास सचदेवा ने केबिन क्रू से कंबल मांगते हुए डिस्टर्ब ना करने की बात कही थी। उसने फ्लाइट में खाना भी नहीं खाया था, पूरे सफर में कंबल डालकर सोया हुआ था। वहीं लैंडिंग के दौर पर ज़ायरा आरोपी पर चिल्लाने लगी। केबिन क्रू ने ज़ायरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह वहाँ से चली गई। इसके बाद क्रू ने ज़ायरा की माँ से एक घटना के बारे में बताया। बता दें, ज़ायरा ने 10 दिसंबर को फ्लाइट में हुई छेड़छाड़ को लेकर वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। ज़ायरा की मां बोली, इस बारे में लैंडिंग करते समय पता चला। केबिन क्रू ने जब ज़ायरा की मां से पूछा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं अलर्ट किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस बारे में लैंडिंग करते समय पता चला। क्रू ने ज़ायरा की मां से शिकायत दर्ज करवाने और आरोपी को टर्मिनल से निकलने से पहले हिरासत में लेने के बारे में पूछा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। 5-10 मिनट तक वह पैर से मुझे कमर और गर्दन पर टच करता रहा। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर ज़ायरा ने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वह रोती हुई नजर आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए घटना की जानकारी दी। एक्ट्रेस ज़ायरा ने लिखा, मैं दिल्ली से मुंबई फ्लाइट में सफ़र कर रही थी। पीछे बैठे एक अधेड़ ने 2 घंटे के सफ़र में मुझे परेशान किया। मैंने इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए फ़ोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन केबिन में धीमी लाइट की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। करीब 5-10 मिनट तक वह पैर से मुझे कमर और गर्दन पर टच करता रहा। ज़ायरा ने वीडियो में कहा, मैंने अभी मुंबई में लैंड किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि आप एक इंसान को ऐसा महसूस कराएं। क्या आप ऐसे ही लड़कियों की रक्षा करेंगे? कोई मदद के लिए वहाँ नहीं आया, ये बहुत डराना अनुभव था। पॉक्सो के तहत केस दर्ज। 17 साल की ज़ायरा वसीम से विस्तारा एयरलाइंस की फ़्लाइट में छेड़छाड़ करने के आरोपी को रविवार शाम मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान 39 साल के विकास सचदेव के तौर पर हुई थी। विकास के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 354 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पत्नी ने किया आरोपी पति का बचाव। वहीं आरोपी विकास की पत्नी ने अपने पति का बचाव किया था। उन्होंने कहा, मेरे पति बेगुनाह है, उनको तंग करने का कोई और इरादा नहीं था। परिवार में एक बच्चे की मौत हुई थी, वे वहाँ गए थे। 24 घंटे से वो सोए नहीं थे। उन्होंने क्रू से कहा था कि वो सोना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें डिस्टर्ब ना करें। उनका पैर आर्म स्टेट पर था, लेकिन उनका तंग करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। मैं नहीं जानती कि वे अब ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं। हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। वे बाल बच्चों वाले शख्स हैं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम इंसाफ चाहते हैं। ज़ायरा ने क्रू से कोई शिकायत नहीं की। विस्तारा के सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी से कहा कि ज़ायरा फ्लाइट में सिर्फ को पैसेंजर पर चिल्लाई थी, तब उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उड़ान के वक्त सभी क्रू मेंबर सीट पर मौजूद थे। लैंडिंग के बाद क्रू ने ज़ायरा और उनकी मां से कहा कि वे चाहे तो शिकायत दर्ज करा सकती हैं, पर उन्होंने इनकार कर दिया। शिकायत के बाद क्या कार्रवाई हुई? विस्तारा फ्लाइट में छेड़छाड़ की घटना के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम ज़ायरा वसीम का बयान दर्ज करने के लिए होटल पहुंची। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना के संज्ञान लेते हुए एयरलाइंस को एक नोटिस जारी किया। एविएशन मिनिस्ट्री ने भी विस्तारा से डिटेल रिपोर्ट मांगी। महिला आयोग ने विस्तारा को नोटिस जारी किए। कौन है ज़ायरा? ज़ायरा वसीम का जन्म 23 अक्टूबर 2000 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। वे टाटा स्काई, नोकिया, लूमिया समेत कई एड फिल्म में नजर आ चुकी हैं। आमिर खान की फिल्म दंगल से पॉपुलरिटी हासिल करने के बाद वे सीक्रेट सुपरस्टार में भी नजर आई। यह फिल्म अगस्त में रिलीज हुई। 17 साल की ज़ायरा ने 2017 में 10वीं क्लास में के एग्जाम में 92% मार्क्स हासिल किए थे। सीक्रेट सुपरस्टार के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला।